कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अध्याय दो में हम गॉस की प्रमेय को आपको बता दिया है, आज उसी गॉस की प्रमेय के व्यंजक का निगमन करना है। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो साथियों, चलिए देखते हैं। हमने कल के वीडियो में आपको गॉस की प्रमेय बताई थी क्या है, कैसे है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात जो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, अर्थात जो फाई ई है, वो उस पृष्ठ पर जितना टोटल आवेश होता है क्यू, उसका कितना गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमारी क्या थी, गॉस की थ्योरम थी, गॉस की प्रमेय थी। तो आज इसी का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे, कहां से इसकी उत्पत्ति करेंगे, इसका निगमन करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले चित्र बनाएंगे हम। तो मान लीजिए एक पृष्ठ है इस तरह से, हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, और यहां पर एक बिंदु आवेश स्थित है Q। कौन सा बिंदु आवेश है, Q है। साथियों, इसके बाहरी हिस्से पर अर्थात यहां पर एक लघु क्षेत्रफल ले लिया गया है, जिसको हम P नाम दे देते हैं। इस पृष्ठ के एकदम बाहरी हिस्से पर एक लघु क्षेत्रफल ले लिया गया है dA। कौन सा, dA। और इस लघु क्षेत्रफल के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु पर, ठीक है, वो E है। क्या है, E। जो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है। अब इस बिंदु से और यहां के बीच की जो दूरी है मान लीजिए, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर को, ठीक है, और यहां से एक कोण अंतरित होता है यहां पर थीटा। कितना, थीटा। और जो यहां पर घन कोण बन रहा है वो क्या है, डी ओमेगा है। कल हमने आपको घन कोण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। तो चलिए देखते हैं चित्र, एक बार फिर समझ लीजिए। एक पृष्ठ है, एरिया है, इसमें एक छोटा सा एरिया लिया जाता है जिसे dA कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक बिंदु है P बिंदु मान लेते हैं उसको, कौन सा, P। उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जिसकी दिशा बाहर की ओर है, और यहां से एक कोण अंतरित होता है, कौन सा, थीटा। यहां पर जो घन कोण बन रहा है हमारा वो क्या है, डी ओमेगा है, ठीक है। तो अब देखते हैं साथियों, जो लघु क्षेत्रफल में वैद्युत फ्लक्स होता है, आपको हमने बताया था कि डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी ए। क्या होता है, ई इंटू डी ए, या यहां थीटा से देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ई डी ए जो अदिश गुणनफल है इसका, वो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए, तो हमने आपको एक व्यंजक बताया था पहले चैप्टर में कि E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। जो यहां से यहां तक की दूरी है वो स्मॉल r है। ये व्यंजक हमने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है कि 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। अब यही फार्मूला हम यहां पर रखते हैं, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का मान यहां पर रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू अपान 4πε0 Q को यहां से गुणा कर दिया गया और इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, dA cos थीटा अपान r स्क्वायर, ठीक। फिर से देखिएगा, E का मान होता है 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर,
आर स्क्वायर और ई का मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर और ये डी ए कॉस थीटा हमारा ऐसे बचा था। अब क्यू का इसके साथ गुणा करा कर इसको 12 रख लिया गया, इसे एक ब्रैकेट में कर लिया गया किसे डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को। कल हमने आपको घन कोण बताया था, घन कोण कि डी ओमेगा बराबर क्या होता था डी ए कॉस थीटा, कल इसको हमने आपको बता दिया था डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब जो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है ठीक है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा, तो ये क्या होगा क्यू अपान 4πε0 डी ओमेगा। इतना समझ में आ गया साथियों? आपको बता दूं कि कल शाम 7 बजे एक वीडियो अपलोड हो रही है जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध हो सकती है, एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कि मैंने खुद बनाया है। तो साथियों आप कल शाम को 7 बजे वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके अंदर एक ऊर्जा जरूर से जरूर वो प्रदान करेगी, तो आप वो वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, कल शाम 7 बजे वो अपलोड होगी। तो साथियों आगे देखते हैं, ये हो गया क्या क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। अब साथियों यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो इसको भी कल हमने आपको बता दिया था कि यदि अब यहां से डी हट जाएगा, डी लघु क्षेत्रफल के लिए था, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हमने बताया था कि इसका समाकलन निकाल लिया जाता है, तो समाकलन क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए, ठीक हमने ये आपको बताया था। तो यहां पर ई इंटू डी ए निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा, अब जो ई था हमारा ठीक है ई वो हमारा निकल चुका है पहले से, अब यहां पर क्या आया था क्यू अपान 4πε0 डी ओमेगा आया था, तो क्या हुआ क्यू अपान 4πε0 हमारा बाहर हो जाएगा ठीक है, और समाकलन जो निकालना होगा हमको इस घन कोण का निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा ठीक है। अब डी ओमेगा का मतलब होता है कि जो वहां पर घन कोण बन रहा है उसी की बात की जा रही है, तो यहां पर 4π बनेगा, क्या बन रहा है 4π घन कोण बन रहा है ठीक है। तो यदि टोटल निकाला जाएगा इस एरिया का टोटल निकाला जाएगा तो 4π हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा यहां पर क्यू अपान 4πε0 डी ओमेगा का यदि आप समाकलन निकालेंगे तो क्या आएगा 4π आएगा, तो डी ओमेगा के स्थान पर क्या रख दिया जाएगा 4π। अब यहां पर 4π से 4π कट जाएगा और क्या बच जाएगा क्यू अपान ε0, जैसा कि आपको अब यहां पर फाइनली क्या मिला फाई ई बराबर मिला हमको क्यू अपान ε0 और यही क्या थी गॉस की प्रमेय थी। तो यहां पर क्या सिद्ध होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है फाई ई पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू के कितना गुना होता है 1/ε0 गुना होता है, सॉरी 1/ε0 गुना होता है, तो ये हमको मिल गया है। तो साथियों एक बार फिर से देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्षेत्रफल है कोई एरिया का कोई बंद पृष्ठ है ठीक है, इस पर एक लघु क्षेत्रफल dA लिया गया है जहां पर बिंदु P पर कोण जहां पर बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E है, और इस E से मतलब यहां जो बिंदु P था यहां से और आवेश Q के बीच की दूरी क्या है R, और जो घन कोण अंतरित हो रहा है वो डी ओमेगा है ठीक है। तो अब हमने कल आपको बता दिया था कि डी पाई ई बराबर क्या होता है ई इंटू डी ए का अदिश गुणनफल, तो इसका अदिश गुणनफल निकाला जाएगा तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब ई बराबर हमने आपको बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया था क्या कि 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। साथियों आपसे फिर से बता दे रहे हैं कि कल 7 बजे वाली वीडियो जरूर देखिएगा, कल शाम को 7 बजे अपलोड होगी, आपके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल वीडियो है तो आप उसे जरूर वॉच कीजिएगा। अब इस e का मान यहां पर रखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा ठीक है। अब यहां पर क्यू अपान 4πε0 यहां से गुणा कराकर बाहर कर लिया गया और इसे डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इस ब्रैकेट में रख लिया गया। अब आप ये समझ लीजिए कल हमने आपको डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर घन कोण था डी ओमेगा बताया था ठीक है। अब डी ओमेगा का क्या मतलब है,
डी ओमेगा का मतलब है कि जो ये छोटा सा क्षेत्रफल है उसके लिए बात किया जा रहा है, लेकिन जब ये संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए बात किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, उसका समाकलन निकाला जाएगा। ठीक है, तो समाकलन में जो ये ई है या जो हमारा क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हमको मिला था उसे बाहर ही रख लिया गया, और इस डी ओमेगा का क्या निकाला जाएगा, समाकलन, जिसका समाकलन क्या आता है, फोर पाई। अब फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया और हमारा क्या बचा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ए बराबर क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गॉस की परमेय। ठीक है, यही गॉस की परमेय, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, या समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको समझाया जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।